मिल गए थे? नहीं हमें नहीं मिलते ऑटो, नहीं मिले, नहीं बहुत दिक्कत। क्या बोला? वो कह रहे हैं यहाँ पे जाम लगा रहता, प्लान लगा रहता है, जैसी बोल बोल के कर देते हैं हमको। आज तो हड़ताल की वजह से चल नहीं रहे ना ऑटो। एक दिन और हड़ताल होगी थी, उतना भी नहीं चल रहे थे। अच्छा हाँ, उतना भी ऐसी हुई थी। तो आप कैसे जाएंगी? हम लोग पैदल ही जाते हैं यहाँ से। अब पैदल ही जाएंगे? हाँ, पैदल ही जाएंगे। परेशानी हुई घर से निकल के? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बिना बताए हड़ताल है, बिना बताए सब कुछ है। नहीं हड़ताल की घोषणा तो उन्होंने पहले ही कर दी थी, पर हर कोई तो टीवी नहीं देख पाता है ना, तो एटलीस्ट एक आध ऑटो तो चलने चाहिए, एक आध तो चले। पब्लिक इतनी सारी परेशान हो रही है, ऑटो वालों कैसे कमाएगा कैसे खाएगा, इन्होंने तो रोक के चलान काट दिया, कैसे हम लोग ऑफिस पहुँचेंगे? तो अब आप कैसे, क्या प्लान, कैसे मैनेज करोगे? आज घर से बुलाया है किसी को छोड़ने के लिए? पता नहीं था आपको इस बारे में? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, या कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि आज हड़ताल है, घर से वो निकल तो गए लेकिन यहाँ पर उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो जो ताजा मोटर व्हीकल एक्ट जो सरकार की तरफ से लागू किया गया है, उसी के विरोध में आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से आज जितने भी कमर्शियल कैब हैं, ऑटोज हैं, बस ड्राइवर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो भी बंद है। तो ये असर फिलहाल हड़ताल का दिखाई दे रहा है और यहाँ जमा होती भीड़ ये गवाह दे रही है कि आज जो आम यात्री है वो किस तरह से, किस कदर वो परेशान होता दिख रहा है। ऐसे ऑटो ड्राइवर्स को रोक रहे हैं जो सवारी ले जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं ना, उनको आप क्यों जबरन रोक रहे हैं? मैडम हमने भी तो रोक रखा, सिर्फ हम ऑटो वालों को रोक रहे हैं, नहीं रोड का कोई पब्लिक जाम नहीं हो रही, जाम चल रहा है। नहीं, जो ऑटो ड्राइवर सवारी लेकर जा रहे हैं, जो आज भी सवारी ढोना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? मैडम है तो स्टाफ के ही सारे, हमारे हमारी यूनिट के सारे, हमारी यूनिट के ही है सारे, जैसे अब उन्हीं को रोक रहे हैं, उनको फालतू नहीं रोक रहे, कार वालों को या बाइक वालों को, उनको सबको जाने दे रहे हैं, उन्हें नहीं रोक रहे। हड़ताल पड़ेगा आज की? पड़ेगा, चलान किस लिए हो रहे हैं? 1000 रुपए हम दिहाड़ी के दे, गैस के दे, तो कहाँ से निकालेंगे? ऊपर से चलान 50-50 हजार के दे, कोई मेहनत कर रहे, चोरी तो करने रहे। तो नुकसान जो आज एक दिन जब ये काम नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जो है वो उसकी भरपाई करने को तैयार हैं, वो झेलने के लिए जो है ये ऑटो ड्राइवर्स फिलहाल तैयार दिख रहे हैं। लेकिन इनकी एक ही मांग है, जो इस तरह से भारी भरकम जो चलान, जो जुर्माना इन पर लगाया जाएगा, उसे किसी तरह से सरकार रोके और जो ये नया एक्ट लागू किया है उसे खत्म करे। तो फिलहाल 9 बजे से ये स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और उसका असर दिल्ली में तो साफ तौर पर दिख रहा है। जो सवारियां हैं उनको ऑटो नहीं मिल रहे हैं, तो परेशानी यहाँ बराबर बनी हुई है। और जो सवारी ऑटो लेकर निकल रहे हैं उन्हें इस तरह से अगर आप देखें तो रोका जा रहा है। तो ये हालात दिल्ली में एंटर करते ही हर्ष विहार गगन सिनेमा के पास, कैमरामैन मुकेश के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।